तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप Azure प्लेटफॉर्म पे कैसे जॉब कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो एक इनिशियल प्रोफाइल के लिए, एक फ्रेशर के लिए। मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। जिसमें दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है एक Azure एडमिन बनने के लिए कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, जिसमें आपका IaaS आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि एक वर्चुअल मशीन्स पे काम करते हैं और वो वर्चुअल मशीन को मैनेज करना होता है, वो उस वर्चुअल मशीन को ऑपरेट करना होता है। आप अगर इसके टॉपिक पे जाओगे VMware पे या वर्चुअल मशीन पे, तो ये बहुत बड़ा एक अपने में टॉपिक है। तो बेसिकली आपको नॉलेज वर्चुअल मशीन का होना बहुत ज़रूरी होता है एक Azure क्लाउड में जाने के लिए। एंड दोस्तों, जो सेकेंड टॉपिक आपको नॉलेज होना चाहिए वो स्टोरेज का। तो बेसिकली आप जब VM पढ़ते हो, जब वर्चुअल मशीन पढ़ते हो, तो वर्चुअल मशीन को स्टोर करने के लिए आपके पास स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, फाइल हो गया, सर्वर हो गया। तो बेसिकली ये आता है आपका स्टोरेज में, जहाँ पे आप फाइल्स वगैरह सेव करते हो। बट अभी क्या अपन लोग करते हैं, किसी लोकल सिस्टम में जैसे हार्ड डिस्क लगा होता है, SSD लगा होता है, तो हम लोग उसमें स्टोर करते हैं। बट वहाँ पे सारा क्लाउड पे मैनेज करना होता है, A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी सारी क्लाउड पे होती हैं। बस आप उनको डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस करते हो, फाइल सर्वर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, URLs हो गए, या आपका कुछ डेटा हो गया। तो इस तरीके से आपको स्टोरेज, अजोर के स्टोरेज के बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए एक अजोर एडमिन या अजोर की जॉब पाने के लिए। अब जो थर्ड पॉइंट आता है मेरे दोस्त, वो आता है नेटवर्क। ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको Azure में आना ही चाहिए, लेकिन इनके अंदर आप जाओगे ना, इनको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारा है। तो जो थर्ड पॉइंट है मेरे दोस्त, वो है नेटवर्क। नेटवर्क में TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली TCP/IP होता है, तो ये आपको एक इंफ्रा के अंदर जाना है। आप Azure पे भी नहीं जा रहे हो, किसी भी प्रोफाइल पे जा रहे हो, तो इसके बारे में आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। और Azure में अगर आप जा रहे हो तो भी नॉलेज होना चाहिए कि TCP/IP एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, IPs कैसे असाइन करते हैं, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। तो नेटवर्क के बारे में आपके पास बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। मतलब मैं अगर बोलूँ एक एग्ज़ाम के लेवल का, तो मिनिमम आपके पास CCNA लेवल का तो नॉलेज होना चाहिए, सबनेटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए एक Azure की जॉब के लिए। एंड दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आप सिक्योरिटी भी केवल पढ़ते हो ना, तो बहुत बड़ा ये अपने में टास्क है। और अगर बात करो आप Azure की, तो Azure में सिक्योरिटी आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हैकर बन जाओ, इथिकल हैकर बन जाओ, इतना नहीं, लेकिन आपको सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, लिनक्स कैसे काम करता है, Oracle कैसे काम करता है। तो जितने भी इनके जो फंडामेंटल एक होते हैं ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो आपको आने चाहिए। यानी कि बोल दो कि आपको 10 से 15% आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए इसमें जाने के लिए। बिकॉज़ क्या होता है कि आपको जो टोटल बिजनेस है ना, वो टोटल क्लाउड पे है। और अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, तो ये तो आपसे अच्छा हैकर भी कहीं बैठा हुआ है। तो उस कंसर्न को देखते हुए सिक्योरिटी एक मस्ट पॉइंट होता है। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आप मैनेजर बनते हो, टीम लीड बनते हो, तो अगर आपके पास इन सब का नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है, तभी जाके आप आगे बढ़ते हो, तभी आपको आगे ग्रोथ मिलती है। अगर सिर्फ आप एक में लगे रहे, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बनते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम लग जाता है, आपको फिर उस फील्ड का पर्टिकुलर मास्टर होना पड़ता है। तो बस यार दोस्त, ये चार मेन टॉपिक थे एक Azure की जॉब पाने के लिए, एक Azure एडमिन बनने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।